Assalamu alaikum. Today our topic is formation of the Indian Constitution. Number one, the makers of Indian Constitution already knew what type of constitution they wanted, and our freedom struggle was also based upon it. जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, जिसको मैंने आपको जो जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कहा जाता था, उनको पहले ही मालूम था, उनको मालूम था कि हमें कौन सा, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे वांटेड, उनको कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में कौन से लोग, किस किस्म के लोग रहते हैं. कि जैसे कि मैंने पहले ही पिछले वीडियो में आपको बताया कि यहाँ पर ये कंट्री जो है एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं वगैरह. इस डाइवर्स कंट्री के लिए कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एंड और फ्रीडम स्ट्रगल वाज आल्सो बेस्ड अपॉन इट. जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, जो आज़ादी की जो जंग थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो भी उसी के मुताबिक थी. वो उसमें भी लोग यही कहते थे कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, और साथ में आज़ादी भी मांगते थे, ताकि जब आज़ाद हुए तो उनको ये मालूम था कि हमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें क्या क्या कानून बनाने हैं. नंबर टू, इन 1928 मोतीलाल नेहरू, जिसको जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी आप जानते होंगे, और उसके साथ और 8 कांग्रेस के जो लीडर्स थे, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1928 में. आज़ादी तो 1947 में हुई, लेकिन 1928 में ही उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था, क्योंकि उनको यकीन था कि हम आज़ाद होंगे, आज़ाद होने वाले हैं. तो उन्होंने पहले ही एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके रखा था, उन्होंने इसके लिए एक तैयारी करके रखी थी. जो इन्होंने इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उस वक़्त कोई पार्टीशन नहीं हुआ था. उस वक़्त हिंदुस्तान, मतलब आज का आप जिसको कहते हैं इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों मुल्क उस वक्त हिंदुस्तान ही कहलाया जाता था. ये सबको हिंदुस्तान कहते थे. विथ ऑल इट्स राइट्स इन इट, इसमें इन्होंने सब राइट्स जो है उनको मद्देनजर रखा था, उनको उनका ख्याल रखा था. फॉर एग्जांपल, उन राइट्स में कौन कौन सा राइट था? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको हम वोटिंग राइट्स भी कहते हैं, ये एक वोटिंग राइट हो जिसमें हर एक के वोट को एक जैसा वैल्यू हो, या और एक जैसे कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है. यहाँ पर हिंदुस्तान में आज 18 साल के जो जितने भी लोग होते हैं, उन सब के वोट का एक ही वैल्यू होता है. राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, उन राइट्स में उन्होंने उस दिन भी इस चीज़ का ख्याल रखा था कि फ्रीडम और इक्वलिटी हो. तो ये जो 1928 में उन्होंने एक तैयारी की थी, तो उसमें भी इन्होंने जो राइट्स थे उनका ख्याल रखा था. नंबर थर्ड, द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियंस working in the legislative institutions under British rule was also used while framing the constitution. इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, उस वक़्त उन्होंने उन लोगों की मदद भी ली जो लोग एक्सपीरियंसड थे. एक्सपीरियंस कहाँ थी उनकी? वो एक्सपीरियंस थी उनको जब ब्रिटिश रूल चल रहा था. वो लोग थे जो उस ब्रिटिश रूल के तहत लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन जो थे, वहाँ पर जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन थे, उनमें वो लोग काम करते थे. उन्होंने वहाँ पर एक्सपीरियंस गेन की थी कि कैसे कानून बनाया जाता है, और कैसे, किस तरीके के लोगों के लिए कौन सा कानून चाहिए. उनके पास वो एक्सपीरियंस थी, और उन्होंने ये एक्सपीरियंस इनकी इस्तेमाल में लाई, और जब इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उन्होंने उनकी जो एक्सपीरियंस थी उसको काम में लाकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को और मजबूत और अच्छा बनाने की कोशिश की. नंबर फोर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी लॉज from the colonial rule, that is Government of India Act. जब मुल्क आज़ाद हुआ, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. उस वक़्त उन्होंने ये ख्याल नहीं रखा कि हम जो कॉलोनियल रूल था, जो ब्रिटिश रूल था, हम उसकी कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे. नहीं, उन्होंने उस वक़्त दरिया दिल्ली का मुजाहरा किया. उन्होंने वो चीज़ें जो उनको उसमें अच्छी लगी, उनको एक्सेप्ट किया. बहुत सारी चीज़ें थी, उनमें से एक चीज़ ये थी कि एक कानून जो था उसको कहते थे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. उनको वो अच्छा लगा, उसमें जो चीज़ें थी वो बहुत अच्छी थी, जो हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी थी. उन्होंने वो एक्सेप्ट किया और उस कानून को वैसे ही अडॉप्ट किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्सा दिया. नंबर फाइव, इट ऑल्सो अडॉप्टेड गुड लॉज. सिर्फ यही नहीं कि जो ब्रिटिश रूल में था वही
एडॉप्ट किया, नहीं बहुत सारी चीजें, इट अडॉप्टेड लॉज एंड पॉलिसीज फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जो भी दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज हैं उनमें उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ा गया, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को भी मद्देनजर रखा गया और उस उनके कॉन्स्टिट्यूशन में यानी दुनिया की जो डेमोक्रेटिक कंट्री उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छी अच्छी चीजें थी, अच्छी अच्छी पॉलिसीज थी उनको अडॉप्ट किया। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग भी कहा जाता है, बैग ऑफ बोरोइंग। नंबर सिक्स, दोज पीपल हु फॉर्मड दिस कॉन्स्टिट्यूशन और कॉल, अब इन्होंने जो जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो एक्सेप्ट कर ली और अडॉप्ट कर ली, और उन लोगों को जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता था, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। उनकी तादाद तकरीबन 299 थी, ये तादाद पहले ज्यादा थी, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो जो हिंदुस्तान का कानून, जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उनकी तादाद फिर 299 रही और उन्हीं 299 मेंबर्स ने हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में लाया। दे अडॉप्टेड एंड कम्प्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, उन्होंने 26 नवंबर 1949 में इस कॉन्स्टिट्यूशन को वजूद में लाया, यानी इन्होंने कंप्लीट किया जो हिंदुस्तान का कानून था, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था, ये 26 नवंबर 1949 को ही कंप्लीट हुआ था, लेकिन इसको इट केम इनटू इफेक्ट, इसको इफेक्ट में लाया गया 26 जनवरी 1950 को, इसको 1950 में 26 जनवरी 1950 की इसके बिल्कुल दो महीने बाद इसको इफेक्ट में लाया गया और इस दिन को हम इस दिन को हिंदुस्तान के लोग रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं और इसको रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। ये 26 जनवरी 1950 को ही इफेक्ट में क्यों लाया गया, 26 नवंबर 1949 को क्यों नहीं, इसकी एक वजह थी कि ना 26 जनवरी 1930 को स्वराज डे मनाया जाता था, उस स्वराज डे तो इसके उस 1930 के बाद वो कंटिन्यूसली मनाया जाता था। अब लोगों को ये आदत थी कि वो उस दिन को मनाते थे, अब जब नया मौका भी मिला तो इन्होंने इसके लिए दो महीने इंतजार किया और इसको फिर रिपब्लिक डे के तौर पर भी मनाया जाता है। थैंक यू।